डेली करंट अफेयर्स ऑनलाइनर में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर क्वेश्चंस को। तो ऑनलाइनर में हमारा आज क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत कितने करोड़ रुपये का पैकेज जारी किया है। तो ये जो है 25,938 करोड़ रुपये हैं। अब जो है इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन और हाइड्रोजन फ्यूल पर जो है विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये नेचुरल फ्रेंडली हैं। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक वाहन इस प्रकार से, ये टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, ये सभी इलेक्ट्रिक वाहन जो है अब इलेक्ट्रिक से चार्ज होंगे और इसमें बैटरी स्टोर रहेगी और उसी पावर से जो है ये चलेंगे। और उसके बाद अगला हाइड्रोजन फ्यूल है। तो हाइड्रोजन फ्यूल के माध्यम से इस प्रकार से गाड़ियों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें जो है हाइड्रोजन फ्यूल से जल बनेगा और H2 गैस बनेगी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी इसमें। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन फ्यूल और इलेक्ट्रिक वाहन आगे का फ्यूचर देखा जा रहा है। इसी प्रकार की गाड़ियां हो सकता हो आगे हमें जो है देखने को मिले। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जिस देश के मानवीय संकट के लिए लगभग $1.2 बिलियन की सहायता राशि की घोषणा की है, तो यह जो है अफगानिस्तान के लिए है। हाल ही जैसा आप जानते हैं अफगानिस्तान में जो है इन दिनों काफ़ी बदलाव देखने को मिला, वहाँ पर एक नई गवर्नमेंट बन के सामने आई है। देखते हैं आगे उसका क्या भविष्य रहता है। ये है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल। अफगानिस्तान के पास आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये देश हैं। अफगानिस्तान की सीमा जो है पाकिस्तान, ईरान और उसके बाद तजाकिस्तान और उसके बाद इधर ऊपर उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये सभी क्षेत्र पहले तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान ये सब जो है USSR के पार्ट थे। अब वर्तमान में ये अलग अलग देश हैं, अफगानिस्तान भी अलग देश है और इसमें इस समय जो है सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसलिए बहुत न्यूज़ में है। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय ने 14 सितंबर 2021 को निजी कंपनियों के साथ जितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो यहाँ पर किसान के लिए बिल और यहाँ पर निजी कंपनियों का हस्तक्षेप और उसके बाद और किसान क्या कह रहे हैं, किसान जो है इसको कह रहे हैं काला कानून। तो इस समय सरकार और किसान के बीच में बहुत ही बड़ा मतभेद है, लेकिन फिर भी सरकार ने जो है 5 जो कि बिल हैं उसको जो है निजी कंपनियों के साथ जो है हस्ताक्षर किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन लॉन्च किया है, तो बाजरा मिशन लॉन्च करने वाली जो गवर्नमेंट है वो हमारी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है। आइए देख लेते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में। तो ये छत्तीसगढ़ का मैप है और इसके जो आसपास के प्रदेश हैं आप देख सकते हैं, और भारत में इसकी स्थिति देख सकते हैं कहाँ पर है। और ये इसकी सीमा जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश को टच करती है। और यह देख रहे हैं बगल में बंगाल की खाड़ी है। यह जो छत्तीसगढ़ है यह समुद्री सीमा को नहीं टच करता है, जो हमारा ये राज्य है। इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी जो है रायपुर है और सबसे बड़ा शहर भी रायपुर है। और इसके बाद इसका जो इसमें जो जिलों की संख्या है वो 28 जिले हैं और राजभाषा जो है हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। और सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। राज्यपाल जो हैं अनुसुईया उइके हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और यहाँ पर जो है एक सदनात्मक व्यवस्था है, विधानमंडल जो है इसमें सिर्फ विधानसभा है जिसमें कुल जो है 90 सीटें हैं। और भारतीय संसद के बारे में अगर हम देखें तो भारतीय संसद में इसमें राज्यसभा में 5 सीटें और लोकसभा में जो है 11 सीटें हैं। और इसका जो उच्च न्यायालय है वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। आइए आगे चलते हैं। आगे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को जिस टीवी चैनल को लॉन्च कर दिया है, तो ये जो है संसद टीवी लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 सितंबर को। और मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, तो ये है मुनु महावर, इनको जो है मालदीव के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और वेस्टइंडीज के जिस पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने कमेंट्री से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये कमेंट्री में थे और वहाँ से भी अब इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा की है, तो वो हैं माइकल होल्डिंग्स। और माइकल होल्डिंग का ये आप देख सकते हैं तस्वीर। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय।